हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। आज फोटोकॉपियर मशीन के एलसीडी स्क्रीन में आप नया भी कुछ स्क्रीन सेटअप करके रख सकते हैं, ताकि आपको प्रिंट करने में या फोटोकॉपी करने में उसी स्क्रीन में आप टच करेंगे, उसी सेटिंग में टच करेंगे तो आपको नया करके कोई भी सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए, कैसे वो चीज़ आपको करना पड़ेगा, कैसे वो स्क्रीन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को सेटिंग लाना पड़ेगा, तो हम चलिए दिखाते हैं कैसे वो सेटिंग स्क्रीन में आप हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों, आई कार्ड, जो आई कार्ड यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, आई कार्ड कैसे सेटिंग किया जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो सेटिंग है, यहाँ पे पेपर है, फिनिशर है, टू साइड है। यहाँ पे अगर आप आईडी कार्ड या आधार कार्ड, यहाँ पे दो ठो फोल्डर आप बना सकते हैं, जिसको टच करने से आपको सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कैसे करते हो आपको हम दिखाएंगे। आपको सबसे पहले आना पड़ेगा स्पेशल फीचर जो है, स्पेशल फीचर पे प्रेस करना है, इमेज कम्बिनेशन में जाना है। आपका जौन सा पेपर में आपको करना है, A4 में, यहाँ पे A4 नहीं है, यहाँ पे कुछ पेपर है, तो हम A4 पेपर के इस लंबाई का पेपर ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले रहा है, ये ले रहे हैं। इसको हम प्रेस किया, नेक्स्ट किया, दो इमेज होगा एक ही पेपर में, फ्रंट में। तो देखिए यहाँ पे है 2:1, तो इसको नेक्स्ट किया, फिर इसको ओके किया, फिर इसको डन कर दिया, यहाँ ऑटो है, इसको डायरेक्ट कर दिया। अब काम है आपको इमेज कम्बिनेशन, फिर वहाँ पे इमेज कम्बिनेशन में नीचे देखिए, यहाँ मूड मेमोरी है, मूड मेमोरी को प्रेस करना है। आप कौन सा फाइल को लेके उसको रीनेम करना है, पहले M1 को लिया, लेने के बाद इसको स्टोर करना है। उससे पहले M1 को हम आई कार्ड लिखना है, हम लिख दे रहे हैं, देखिए M1, इसको बैक स्पेस से M1 हटाना पड़ेगा। यहाँ पे I स्पेस कार्ड CARD आई कार्ड लिखा, इसको ओके करना है, फिर इसको यहाँ प्रेस करना है, इसको स्टोर करना है। देखिए यहाँ आई कार्ड आया, इसको नेक्स्ट करना है। फिर देखिए आप क्या एक नंबर पेपर सिलेक्ट है, उसको करे या ना करे, ये हम पूछ रहा है आपसे, तो हम यस, हम इसको करना है, तो इसको यस कर देना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए ओके आएगा, ओके कर देना है, फिर डन कर देना है। तो आप यहाँ पर नाम को बाहर लाना है, तो आप यहाँ एडिशनल जो फंक्शन है उस बटन को प्रेस करना है। करने के बाद कॉपी सेटिंग में जाना है, स्टैंडर्ड सेटिंग, स्टैंडर्ड की सेटिंग जो है इसको प्रेस करना है। अभी नो सेटिंग है, उस सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखिए मूड मेमोरी में आए, आने के बाद M1 में हम किए थे, M1 को प्रेस किया, करने के बाद इसको ओके कर दिया, करने के बाद डन। तो देखिए यहाँ आई कार्ड आ गया। अगर आप आई कार्ड को प्रेस करेंगे तो आप जैसे फोटोकॉपी करते हैं आई कार्ड का फ्रंट पेज में, उसी तरह मशीन पे रखिए और आई कार्ड कीजिए। आप यहाँ पर रिसेट कर देने से वो चला जाएगा, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आई कार्ड करना है तो इस बटन को प्रेस कर देना, बस, और कुछ सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक आपका सेटिंग हो जा रहा है, अंदर से सेटिंग किया हुआ है, आपको फिर से दोबारा सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी तरह सेटिंग किया जाता है। इसको आप हटाए कैसे, अगर हमेशा के लिए हटाना है तो फिर इसको हटा भी सकते हैं, आप कैसे करते हैं वो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यह एडिशनल फंक्शन है, उसमें जाना है, एडिशनल फंक्शन, कॉपी सेटिंग, स्टैंडर्ड की सेटिंग है, इसमें नो सेटिंग है, जो नो सेटिंग को बटन को प्रेस करने के बाद ओके करना है, फिर डन करना है। देखिए यहाँ पे नहीं है, और अंदर में जो है उसको भी हटाना है, जो रीनेम करके रखा था मूड मेमोरी में, वो रीनेम को कैंसिल करना है। तो चलिए इसको भी हम कैंसिल कर इरेज करके दिखाते हैं। इसको इरेज कर दिया, इसको नेक्स्ट किया, यस कर दिया, इसको अब रीनेम करके पहले जो नाम था वो नाम करके अब फिर रख देंगे हम, बैक स्पेस शिफ्ट M1, ओके, इसको स्टोर करना है, नेक्स्ट, यस,
तो स्टोर में जो है उसको डिलीट कर देना है, इरेज कुछ भी नहीं है अभी, वैसे हो गया, कैंसिल कर देना है, डन। तो देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं है, मूड मेमोरी देखिए बिल्कुल खाली है, कुछ इसमें सेव नहीं है। इसी तरह भी आप खाली भी कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए कोई आई कार्ड नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑटो है। अभी आप जो करना चाहेंगे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।